वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय वर्मा आप लोगों को आरएस एजुकेशन कैम्प वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं। यह चैनल पर्टिकुलर केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांच, जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इन सभी में जो टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक वाइज जो है ये आपका चैनल कवर करता है। और उसी क्रम में आज मैं डॉक्टर संजय वर्मा आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि केमिस्ट्री का एक जाना माना टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ आपके पास पहुंच रहा हूं। आप लोगों के लिए पर्टिकुलर जो बीएससी सेकेंड ईयर या बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और देखा जाए तो एमएससी प्रीवियस और फाइनल ईयर में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में या थोड़ा सा अधिक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में वहाँ पे है। तो अगर हम शुरुआत की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी जो शुरुआत है ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस से शुरू होती है। तो आज चूँकि पहला दिन है, इस वजह से आपको जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका क्या बेसिक पर्याय है, इसको किस सोच के साथ आपको पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है और इसका जो बेसिक डिफिनीशन है वो क्या क्या कवर करता है, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये कोई नहीं बताता, ठीक है? तो इनको अगर आप समझ लेंगे तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा किसी भी चीज़ को पढ़ने का, क्यों हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मत का जो बेसिक डिफिनीशन निकल के आता है उसको अगर आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पर्टिकुलर जो डिफिनीशन है उसमें बताया गया है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस, इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज, या हम कह सकते हैं एक डेफिनेशन के रूप में, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस। यहां पे जो वर्ड आपको अच्छे से समझना है, दैट मीन्स इंटरेक्शंस, कि इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है। इंटरेक्शन अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जैसे दो अलग अलग अनजान लोग जब एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं तो हम उसको इंटरेक्शन कह सकते हैं। तो इसी तरीके का स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंटरेक्शन की स्टडी है, और इसमें जो स्टडी होती है वो इंटरेक्शंस पढ़े जाते हैं आपके बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर हम इसके डिफिनीशन को देखें अच्छे से, तो हमें एक चीज तो समझ में आती है कि अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है तो हमें थोड़ा सा इंटरेक्शंस के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी होगी कि व्हाट द मीन ऑफ इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन खासतौर से दो निर्जीव चीजों के बीच में हो, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि दो व्यक्ति हैं जो अनजान हैं एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि उनके पास बोलने का माध्यम है, लेकिन यहाँ पे दो अनजान चीज़ें हैं जिनके बीच आपको इंटरेक्शंस देखने हैं। तो देखेंगे कैसे, आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं या फिर इस चीज़ को आप किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से भी कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स आप जो देखते हैं या सुनते हैं, जैसे आपका यूवी स्पेक्ट्रोमीटर या आईआर स्पेक्ट्रोमीटर या फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, तो वो सभी एक तरीके का इस तरीके के जो इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं इन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर, इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है? तो अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेक्शंस को समझने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपके पास ढेर सारा नॉलेज होना चाहिए, और वो भी ऐसा नॉलेज हो जिसकी मदद से आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझ सकें, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की, कि मैटर को आपको किस नज़रिए से देखना है जिससे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में
डिटेल में चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर बेसिकली आपने देखा हुआ आपके सराउंडिंग्स में जो मैटर है वो तीन बेसिक स्टेट्स में आपको मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी की स्टेट्स की बात करें या हायर एनर्जी के मैटर की बात करें तो इसमें आपका गैसियस स्टेट आती है। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो सॉलिड की अगर हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो वो लिक्विफाई होगा, लिक्विड्स की और एनर्जी बढ़ाएंगे तो वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा, और गैसियस स्टेट में उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी अपने चरम पे होगी या कहें मैक्सिमम होगी। ठीक है, उस समय उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या होता है और उसमें कितने प्रकार की जो एनर्जी होती हैं, वो एनर्जीज का क्रम क्या है, उनका मैग्नीट्यूड कितना कितना होता है, किस एनर्जी का, तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है, तभी आप एक तरीके से मैटर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं या हम अज्यूम कर लेते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल को जो कि गैसियस स्टेट में है, और गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल की जो कंडीशन है अगर हम उसको ऑब्जर्व करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो हम पाएंगे कि पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से बिल्कुल इस तरीके से जिगजैग जो आपका मोशन दिखता है, कभी इस पल यहाँ रहेगा, उसके बाद दूसरे पल यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो वो लगातार एक मोशन में होगा। इस तरीके का जो पोजिशनल मोशन होता है या एक पर्टिकुलर स्पेस में जो उसका मोशन हो रहा होता है होल मॉलिक्यूल, उस मोशन को हम लोग एक नाम देते हैं, वो होता है उस मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। और इस ट्रांसलेशनल मोशन से जो एसोसिएटेड एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। सपोज दैट अगर इस एनर्जी को उस मॉलिक्यूल से निकाल लिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, हमने उस मॉलिक्यूल से इस एनर्जी को निकाल लिया तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक जगह पे स्टैग्नेंट या ठहर जाएगा। यहाँ वहाँ जो मोशन कर रहा था उस एनर्जी की मदद से, वो एनर्जी अगर हमने कहीं किसी सोर्स से या किसी भी वजह से किसी भी स्रोत से उससे निकलवा ली, अगर हमने सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि अगर ये निकल जाए तो ये एक पॉइंट के रूप में एक जगह पर रुक जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस स्टेट में, इस रुकी हुई स्टेट में अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें कि अभी भी इसके अंदर किस तरीके के मोशंस या इनके अंदर और कितने प्रकार की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन करें इस ठहरे हुए मॉलिक्यूल को, तो हम पाएंगे कि ये मॉलिक्यूल लगातार अपनी जगह पे रोटेट कर रहा होगा। दैट मीन्स इट हैज सर्टेन रोटेशनल एनर्जी इनसाइड द मॉलिक्यूल। तो इस तरीके का जो मोशन कहा जाएगा उसको हम रोटेशनल मोशन नाम देते हैं, और इससे संबंधित जो एनर्जी है उसको हम रोटेशनल एनर्जी के रूप में मान के चलते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशनल एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम इस मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी को वहाँ से निकाल लें और उस, तो क्या होगा, जब उसको हम अगर उस मॉलिक्यूल से बाहर की तरफ एनर्जी निकाल लेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर जो रोटेशन हो रहा है वो लगातार जो रोटेशन कर रहा था रोटेशनल एनर्जी की मदद से अपनी एक्सिस पे, तो वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा और मॉलिक्यूल अब रोटेशन नहीं करेगा। अभी भी अगर हम मॉलिक्यूल को, अगर सपोज दैट हम मान लें कि हमारे पास ए और बी टाइप का मॉलिक्यूल था, तो ये लगातार अपनी पोजिशन पे along the axis move कर रहा था, अभी वो motion बंद हो जाएगा और molecule यहाँ पे इस तरीके से stagnant एकदम simple जो है वो ये रुक जाएगा। ठीक है, इसके साथ अब अगर हम और आगे बात करें ये रुके हुए stagnant ठहरे हुए molecule के बारे में, तो अभी हम देखेंगे तो पाएंगे इसके अंदर एक तरीके का और motion हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा होगा कि कभी ये ए एटम डाउनवर्ड जा रहा होगा, कभी बी एटम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल कुछ ये पोजीशन में या फिर इस पोजीशन में लगातार मोमेंट कर रहा होगा। दैट मीन्स एक तरीके से ये एक वाइब्रेशन कर रहा होगा फ्रॉम देयर मेन पोजीशंस। ठीक है, एवरी एटम ऑफ द मॉलिक्यूल वुड बी मूव अप एंड डाउन एंड सो वाइब्रेशंस। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर अभी भी एक तरीके की एनर्जी है जिसको हम वाइब्रेशनल एनर्जी बोलते हैं, और ये वाइब्रेशनल एनर्जी इस मॉलिक्यूल के अंदर
पाई जाएगी वाइब्रेशनल मोशन की, कराएगी इसको, यानी कि अभी भी इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अगर हम इसकी इस वाइब्रेशनल एनर्जी को भी निकाल लें तो क्या होगा, तब के केस में मॉलिक्यूल वाइब्रेशन बंद कर देगा और अपनी जगह पे रुक जाएगा। अगर हम फिर भी इसमें और ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे, चूंकि ए और बी के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, उन बॉन्ड्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आपने देखा होगा, तो इसमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ बॉन्डिंग बनते हैं तो उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं, और उन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम जनरली वैकेंट पाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब कभी इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया जाएगा तो हम देखेंगे कि इसमें जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके इसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहे होंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं वो कुछ एनर्जी की वजह से ये बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, फिर थोड़ी देर एंटी बॉन्डिंग में रुकेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर डाउनवर्ड आ जाएगा, तो कुछ एनर्जी वहाँ से रिलीज करेगा, दैट मीन्स अनदर टाइप ऑफ एनर्जी विच कंटेन ए मॉलिक्यूल एक्सेप्ट दीज थ्री, देन वी कैन से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल के अंदर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मोशन कह लें या ट्रांजिशन कह लें, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है वो इसके अंदर पाई जाएगी। ठीक है, और अगर बात करें, अभी हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को भी किसी का कैसे भी करके अगर निकाल लें मॉलिक्यूल के अंदर से तो क्या होगा, तब के केस में ये इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशंस हो रहे थे फ्रॉम बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग वो सब स्टॉप कर जाएंगे और मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम और ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं अपना और देखें कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या अभी भी किसी प्रकार की एनर्जी है, तो आप पाएंगे कि ये जो यहाँ पे एटम्स हैं, इन एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो बाहरी इलेक्ट्रॉनों के सापेक्ष कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रकार का मोशंस कर रहे होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर मोशन कहते हैं। तो एक और टाइप की जो इसमें मोशन देखने को मिलेगा वो आपका न्यूक्लियर मोशन होगा। इसके अलावा इससे संबंधित जो एनर्जी होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी कह सकते हैं, न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो टोटल आपने मैटर के बारे में अगर देखा तो मैटर में जो सबसे इंडिविजुअल, जिसमें अगर मैटर के एटम या मॉलिक्यूल के बारे में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हमें मैटर को उस पर्टिकुलर स्टेट यानी गैसेस स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल रहेगा वो फिजिकल इंटरेक्शंस विद अलोंग अदर मॉलिक्यूल्स उन सब से फ्री रहेगा, उस कंडीशन में हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद हमको ये चीज़ें निकल के आती हैं कि उसके अंदर इस तरीके के वाइब्रेशन मोशन हो रहे होते हैं और उनसे जुड़ी हुई इस तरीके की एनर्जी उस मॉलिक्यूल के पास रहती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना ये है कि जो ये ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है या वाइब्रेशनल मोशन है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन है, न्यूक्लियर मोशन है, अगर हम इन मोशंस को स्पीड अप कर दें या स्लो डाउन कर दें। ठीक है, स्पीड अप या स्लो डाउन करने का मतलब सीधा हुआ कि हम उसमें से या तो एनर्जी जोड़ रहे हैं यानी स्पीड अप हो जाएगा, या फिर उसमें से एनर्जी निकाल रहे हैं यानी उसको स्लो डाउन कर रहे हैं। ठीक, तो ये एनर्जी इस मैटर से किस फॉर्म में निकलती है और किस फॉर्म में हम इसको एनर्जी दे पाते हैं, इस चीज़ को समझना होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इन सभी एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये एनर्जी किस प्रकार के मोशन से एसोसिएटेड हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं यानी कि मॉलिक्यूल जो स्पिन कर रहा है अलोंग द एक्सिस, लगातार इस एक्सिस के अलोंग इस तरह से घूम रहा है गोल गोल, तो आपको देखना होगा कि इसके गोल गोल घूमने का जो मोशन का जो एनर्जी है वो एक फिक्स होगा, वो अपनी जगह पर घूम रहा है। सपोज दैट हम उसको अलग से कोई एनर्जी दे दें तो क्या होगा, ये तेजी से, लेकिन वो एनर्जी किस फॉर्म में होना चाहिए ये चीज़ आपको समझनी होगी, और ये एनर्जी हमेशा
आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी रेडिएशन के फॉर्म में होनी चाहिए, और उसकी करेक्टरिस्टिक भी यही है कि वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि अगर हम इन वाटर के अंदर पाए जाने वाले इन डिफरेंट मोशंस की बात करें या इन डिफरेंट एनर्जीज की बात करें, तो इन एनर्जीज को बढ़ा के या घटा के, ठीक है, अगर हम बढ़ाने की बात करें तो हमें एनर्जी बाहर से देनी होगी। सपोज दैट हम किसी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक सर्टेन एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देना होगा जो वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज करेगा। इसी तरह एक सर्टेन लाइट फोटॉन और पर्टिकुलर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इस रोटेशनल एनर्जी को बढ़ा सकता है। ठीक है, अगर हम ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात करें तो इसका क्वांटाइजेशन नहीं होता, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी आपका पर्टिकुलर जो यूवी रेडिएशन होता है उसके लाइट फोटॉन्स की एनर्जी के करस्पोंडेंस में होता है, उसी के इक्विवेलेंट होता है या उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब की जा सकती है मॉलिक्यूल के द्वारा या मैटर के द्वारा, तो मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोशंस या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, सिमिलरली न्यूक्लियर मोशंस हैं तो न्यूक्लियर स्पिन मोशन की बात करें तो ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी होती है उस किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इन रिस्पेक्ट इन कंपेरिजन टू अदर एनर्जीज। ठीक है, तो इन एनर्जीज का जो रिलेशन है सीधा सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ है, और कौन सा रेडिएशन किस पर्टिकुलर मोशन के लिए स्पेसिफाई किया गया है ये आप आगे के जो आपका लेक्चर है उसमें देखेंगे। ठीक है, ठीक बेटा, तो इस तरीके से जो आपकी एनर्जीज हैं किसी मैटर के अंदर कह लें या हम मैटर के स्मॉलेस्ट पार्ट की बात करें तो मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके की एनर्जीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और इन्हीं एग्जिस्टेंस में जो आपके ये मोशंस हैं डिफरेंट मोशंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन में ये जो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज जो कि एनर्जीज मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं वो या तो घटती हैं या फिर बढ़ती हैं। अगर बढ़ रही होती हैं तो हम कह रहे होते हैं कि ये इनका जो ट्रांजिशन है वो हाई एनर्जी की तरफ हो गया, यानी वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं। अगर रोटेशन एनर्जी में चेंज हो रहा होता है टुवर्ड्स हायर या लोअर एनर्जी लेवल की तरफ तो वो आपका रोटेशनल ट्रांजिशन कहलाता है। कई बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यानी जो एनर्जी है वो अगर एब्जॉर्ब हुई है या यहाँ से निकाली गई है एमिट हुई है तब के केस में हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं। इसी तरह न्यूक्लियर स्पिन भी होती है, और उसको भी हम अल्टर करते हैं और उसको भी स्पीड अप करते हैं या उसको स्लो डाउन करते हैं, यानी हायर एनर्जी की तरफ ले जाते हैं या लोअर एनर्जी की तरफ ले जाते हैं, तो वो भी एक आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाली डिफरेंट एनर्जीज हैं और उन एनर्जीज में जो ट्रांजिशन है चाहे अपर एनर्जी हो या लोअर एनर्जी हो, उन सभी के स्टडी जो है एक तरीके से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ करते हैं, और उसे एक डिफरेंट ब्रांच के रूप में हम लोग जानते हैं। दैट मीन्स आपका कह लीजिए तो जो एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के रूप में एक अलग ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से पोदर्ट अगर हम बात करें यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशंस की, अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी के में ट्रांजिशंस की स्टडी कर रहे हैं तो वो एक तरीके से एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक बन जाती है। आपको उसको पूरा फुल जो स्टडी है वो आपकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हो जाती है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो या तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग चैप्टर हो जाता है। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियर स्पिन की बात करें तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस करके एक थो आपका रहता है, उसमें पूरा एक चैप्टर रहेगा। इसी तरह अगर हम रोटेशनल की बात करें तो रोटेशनल एनर्जी में जो ट्रांजिशंस होते हैं उनको हम कई बार आपका जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट पार्ट है आपका मैटर, तो मैटर में क्या क्या होता है, उसमें एनर्जी कितनी होती है, उनमें मोशन कितने प्रकार का होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सपोज देखिए यहाँ पे इतनी जो अलग अलग एनर्जी दी हुई है इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड होता है आई थिंक यहाँ पे चूंकि ये क्वांटाइज नहीं होती है ये वाली एनर्जी, तो इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से
इसको बाहर कर देते हैं, इससे स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई भी फाइंडिंग्स या कहें एक तरीके से इसका लेना देना नहीं है। हमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होने वाली जो एनर्जी रेंजेस हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उनमें से रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर मोशंस को खासतौर से देखना है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इन एनर्जी का एक जो मैग्नीट्यूड यानी उनकी जो मात्रा है मॉलिक्यूल के अंदर, उसका एक जनरल व्यू देते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है मॉलिक्यूल के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक मोशंस के रूप में रहती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा और ये कई गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। देन वाइब्रेशनल, सेकेंड पोजिशन पे वाइब्रेशनल एनर्जी आती है और थर्ड पोजीशन पे जो है वो आपका रोटेशनल एनर्जी। अगर हम इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो इस तरीके रहती है। फोर्थ पोजीशन पे कई बार आपका जो है वो न्यूक्लियर स्पिन को रखा गया है, और ये न्यूक्लियर स्पिन बहुत ही कम एनर्जी होती है, जनरली कई बार हम इसको जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये एक एनर्जी ऑर्डर हो गया है, डिफरेंट एनर्जीज इन द मॉलिक्यूल के अंदर। ये जो एनर्जी ऑर्डर है ये जनरली एक अप्रोक्सीमेशन के माध्यम से दी जाती है, जिसको हम बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो वो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के अंदर जनरली ऐसी जो अलग अलग एनर्जी पाई जाती है मॉलिक्यूल के अंदर, उसी का एक अप्रोक्सीमेट प्रेजेंटेशन दिया जाता है। इसमें बताया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा है, वाइब्रेशनल उससे कम, रोटेशनल उससे कम, और सबसे कम न्यूक्लियर स्पिन रहती है। हालांकि इसको बॉर्न ओपेनहाइमर ने कंसीडर ही नहीं किया था, तो उसको हटा भी सकते हैं न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है। तो ये आपके मैटर के अंदर जो पाया जा रहा है उसको इस तरीके से आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी के लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और अभी समय को ध्यान में रखते हुए, तो नेक्स्ट जब क्लास होगा हमारा, तो उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिटेल्स में जाएंगे और उसको इस जो डिफरेंट एनर्जीज हैं उसके साथ कैसे रिलेट करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोम और जो इनका ओरिजिन होता है, कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट फोटॉन ओरिजिनेट होता है फ्रॉम एटम, ठीक है। या फिर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इन एनर्जीज के साथ किस वजह से पैचअप में आती है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो उसकी मदद से हम इन एनर्जीज को ईजिली जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, और अगर उतनी एनर्जी उसी फॉर्म में अगर इमिट करता है वो मॉलिक्यूल तो वो डिक्रीज भी हो सकती है। यानी ट्रांजिशन इन डिफरेंट वाइब्रेशनल मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, न्यूक्लियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन जो है उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट पे आपका जो है वो फिर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट हो गया, एक अभी बचा हुआ है। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आया उसको आप लोग चेक करते रहिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इसमें आपको हमें लगता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ही कहीं कोई बताता हो, ये बहुत ही आसान पड़ जाएगा जब आप इसको आसान भाषा में इसको समझ लेंगे। समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप उसको किस तरीके से लेते हैं, कितनी टिपिकल चीज़ें आपके पास धीरे धीरे आएंगी, तो वो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। थैंक यू।